दोस्तों, आप लोगों के मन में हमेशा यह डाउट बना रहता है कि भाई मुझे ये बताओ कि हम बॉलीवुड म्यूजिक को, बॉलीवुड सॉन्ग को अपनी वीडियो में कैसे यूज करें जिससे कॉपीराइट क्लेम ना आए। दोस्तों, आप लोग क्या करते हो, बॉलीवुड म्यूजिक को या फिर सॉन्ग को लगाकर अपनी वीडियो यूट्यूब पर अपलोड कर देते हो तो दोस्तों आपको उस वीडियो पर कॉपीराइट क्लेम मिल जाता है। दोस्तों, आप लोगों के मन में यह डाउट और बना रहता है कि भाई मुझे ये बताओ कि जो बड़े बड़े यूट्यूबर्स होते हैं वो भी अपनी वीडियो में जो है बॉलीवुड म्यूजिक यूज करते हैं, बॉलीवुड के जो है सॉन्ग लगाते हैं, क्या उनको उनकी वीडियो पर कॉपीराइट क्लेम नहीं मिलता है या फिर उन्हें भी कॉपीराइट क्लेम मिलता है? क्योंकि दोस्तों, जब हमारी वीडियो पर कॉपीराइट क्लेम आ जाता है, यदि आपका चैनल मोनेटाइज है, तो दोस्तों क्या होता है कि उससे जो भी रेवेन्यू जनरेट होता है वह उसे चला जाता है जिसने आपका अपनी वीडियो में जो है सॉन्ग लगाया हुआ हो। जिसका सॉन्ग होता है उसी कंपनी को दोस्तों जो है उसका जो भी रेवेन्यू जनरेट होता है दोस्तों है उसको चला जाता है। आपको दोस्तों उस वीडियो से एक भी पैसा नहीं मिलेगा यदि आपकी वीडियो पर कॉपीराइट क्लेम आ जाता है। दोस्तों, कॉपीराइट क्लेम ज़्यादातर दो कंडीशंस में जो है देखने को मिलता है। कैसे दोस्तों? जब आप बॉलीवुड म्यूजिक को, बॉलीवुड सॉन्ग को अपनी वीडियो में यूज करते हो, अपनी वीडियो में लगाते हो, तो दोस्तों आपको जो है इंस्टेंट कॉपीराइट क्लेम देखने को मिल जाता है। क्योंकि दोस्तों यूट्यूब की तरफ से दो तरीके से कॉपीराइट क्लेम मिलता है, हम आपको बता दें। जो लोग दोस्तों कंटेंट आईडी लेकर रखते हैं, यूट्यूब की तरफ से दोस्तों एक कंटेंट आईडी मिलती है, जिनका चैनल बड़ा हो जाता है वो दोस्तों क्या करते हैं, यूट्यूब से कंटेंट आईडी ले लेते हैं। दोस्तों, जब आप किसी भी बॉलीवुड म्यूजिक को या फिर सॉन्ग को अपनी वीडियो में यूज करते हो, फिर दोस्तों आपको जो है इंस्टेंट ही कॉपीराइट क्लेम देखने को मिल जाता है यदि उन्होंने कॉन्टेंट आईडी दोस्तों अपने पास लेकर रखी हुई होगी। दोस्तों, दूसरी कंडीशन यह होती है कि यदि आप किसी भी सॉन्ग को, बॉलीवुड म्यूजिक को या फिर सॉन्ग को आप अपनी वीडियो में यूज करेंगे तो शायद आपको तब उस वीडियो पर जो है कॉपीराइट क्लेम देखने को ना मिले यदि उनके पास दोस्तों कंटेंट आईडी नहीं है। शायद उनको कभी भी पता लग जाए कि आपने जो है उन वीडियो पर जो है उनका सॉन्ग लगाया हुआ है, तो दोस्तों आपको जो है उस वीडियो पर कॉपीराइट क्लेम देखने को मिल सकता है। दोस्तों, दो कंडीशंस में जो है कॉपीराइट क्लेम देखने को मिलता है, एक जो है इंस्टेंट कॉपीराइट क्लेम देखने को मिल जाता है, एक दोस्तों हमें एक महीने बाद, दो महीने बाद या एक साल बाद या कभी भी जो है वीडियो पर कॉपीराइट क्लेम आ सकता है यदि दोस्तों आपने बॉलीवुड म्यूजिक को यूज किया हुआ है। तो दोस्तों, हम किस प्रकार से जो है किसी भी सॉन्ग या बॉलीवुड म्यूजिक को, सॉन्ग को कैसे यूज करें जो हमारी वीडियो पर कॉपीराइट क्लेम देखने को ना मिले? तो दोस्तों, इस समस्या का समाधान एक ही है कि आप यदि बॉलीवुड म्यूजिक या सॉन्ग को अपनी वीडियो में यूज करना ही चाहते हैं तो दोस्तों क्या करें, आप वीडियो बना लें। वीडियो बनाने के बाद, सॉन्ग लगाने के बाद आप उसे यूट्यूब पर अपलोड कर दें। अपलोड करने के बाद दोस्तों आपको उसे अनलिस्टेड रखना है, आपको उसे पब्लिक नहीं करना है, ना ही आपको प्राइवेट करना है, ना ही आपको शेड्यूल करना है। आपको सिर्फ वीडियो बनाने के बाद उसमें जो है बॉलीवुड म्यूजिक लगाने के बाद तो दोस्तों आपको क्या करना है, अनलिस्टेड रख देना है। जब दोस्तों आप अनलिस्टेड उस वीडियो को कर दोगे, यदि दोस्तों उस पर कॉपीराइट क्लेम मिल रहा होगा तो दोस्तों इंस्टेंट ही मिल जाएगा। यदि दोस्तों उस गाने की जो कंपनी ने यूट्यूब से कॉन्टेंट आईडी ले रखी होगी तो दोस्तों आपको इंस्टेंट ही जो है दोस्तों उस पर कॉपीराइट क्लेम देखने को मिल जाएगा। या फिर ऐसा भी हो सकता है, यदि उनके पास कॉन्टेंट आईडी नहीं है तो शायद दोस्तों आपको कॉपीराइट क्लेम देखने को ना मिले, शायद एक महीने बाद मिले, दो महीने बाद मिले या फिर एक साल बाद मिले या फिर शायद ना मिले कॉपीराइट क्लेम। दोस्तों, यदि आपको कॉपीराइट क्लेम नहीं मिलता है अनलिस्टेड में तो दोस्तों आप वीडियो को पब्लिक कर दीजिए। यदि आपका चैनल मोनेटाइज है तो दोस्तों उससे जो भी रेवेन्यू जनरेट होगा वो पूरा का पूरा रेवेन्यू आपको जो है मिल जाएगा। लेकिन दोस्तों, यदि आप बिल्कुल टेंशन फ्री रहना चाहते हैं, कॉपीराइट क्लेम से पूरी तरीके से बचना चाहते हैं, तो दोस्तों यूट्यूब की ऑडियो लाइब्रेरी है। यूट्यूब की ऑडियो लाइब्रेरी में कॉपीराइट फ्री म्यूजिक, बहुत सारे म्यूजिक हैं, बहुत सारे साउंड इफेक्ट हैं, यदि आप वहाँ से लगाओगे तो दोस्तों जो है आपको वहाँ पर क्या है, कॉपीराइट क्लेम आपको आपकी वीडियो में देखने को नहीं मिलेगा। दोस्तों, जो भी बड़े बड़े यूट्यूबर बॉलीवुड म्यूजिक को यूज करते हैं, यदि उन्होंने कॉन्टेंट आईडी होती है, जो जिनकी कंपनी होती है, यदि उन्होंने कंटेंट आईडी लेकर रखी होती है, तो दोस्तों उनको भी जो है क्या, कॉपीराइट क्लेम देखने को मिल जाता है। चाहे दोस्तों नया यूट्यूबर हो, चाहे दोस्तों बड़ा यूट्यूबर हो, सबको दोस्तों कॉपीराइट क्लेम मिल जाता है यदि दोस्तों आप क्या करोगे, बॉलीवुड म्यूजिक को अपनी वीडियो में यूज करोगे। दोस्तों, इससे एक ही रास्ता है बचने का कि आप कोई भी वीडियो बनाए उसमें यदि बॉलीवुड म्यूजिक
यूज करना चाहते हैं तो आप उस वीडियो को अनलिस्टेड करके अपलोड करें। यदि दोस्तों आपको उस टाइम कॉपीराइट क्लेम मिल रहा होगा तो दोस्तों आपको कॉपीराइट क्लेम इंस्टेंट देखने को मिल जाएगा। यदि दोस्तों इंस्टेंट आपको कॉपीराइट क्लेम देखने को नहीं मिलता है तो आपकी मर्जी है, आप उस वीडियो को पब्लिक कर दीजिए, जो भी उससे रेवेन्यू जनरेट होगा वो पूरा का पूरा पैसा आपको मिल जाएगा। यदि दोस्तों उनको पता लग जाता है कि आपने जो है उनकी वीडियो अपनी वीडियो में उनका सॉन्ग यूज किया हुआ है तो दोस्तों जो है वह सिंगर जिनका भी गाना होगा, जिनकी भी कंपनी से आपने गाना लिया होगा, उनकी तरफ से आपको कॉपीराइट क्लेम देखने को मिल जाएगा और जो भी रेवेन्यू से जनरेट होगा दोस्तों है उन्हीं को चला जाएगा जिसका आपने सॉन्ग यूज किया हुआ है। दोस्तों आप एक ही तरीके से जो है कॉपीराइट क्लेम से बच सकते हो, वरना दोस्तों आप लोग बिल्कुल टेंशन फ्री रहना चाहते हो, कॉपीराइट क्लेम से पूरी तरीके से बचना चाहते हो तो दोस्तों आप यूट्यूब की ऑडियो लाइब्रेरी का यूज करें, वहाँ पर बहुत सारे सॉन्ग अपनी वीडियो में वहाँ से सॉन्ग लगाएंगे, आपको कॉपीराइट क्लेम देखने को नहीं मिलेगा। दोस्तों एक ही रास्ता है जिससे आप कॉपीराइट क्लेम से बच सकते हो, आप उस वीडियो को अनलिस्टेड कर दो, जो भी रेवेन्यू जनरेट होगा आपको मिल जाएगा। यदि कॉपीराइट क्लेम पा जाता है तो दोस्तों आपको एक भी पैसा नहीं मिलेगा। दोस्तों आपके जो भी डाउट इस टॉपिक से जुड़े हुए क्लियर हो गए होंगे, यदि अभी भी एक आधे डाउट इस टॉपिक से जुड़े हुए हैं तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं या फिर इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।